हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जो कि एक बहुत खूबसूरत मुल्क है साउथ एशिया का। अभी लाइव आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि ई कॉमर्स आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है। तो कुछ दिन पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, ई कॉमर्स के जो एक गुरु हैं, वन ऑफ अदर गुरुज, उस्मान चुगताई साहब से बात करने का। तकरीबन लाइक दो मंथ मार्च में मैंने उनको इनवाइट किया था अपने लाइव वीडियो में और उनका इंटरव्यू किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है। मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था जितना मैंने अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम ये होता है कि आप जो जब एग्रीकल्चर एज थी तो उसमें ऐसे करते थे कि चीज़ें पैदा करके, तो वो जो चीज़ें थी वो आप चीज़ों के बदले चीज़ें जो है ना ले लिया करते थे। इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, तिजारत का सिस्टम, या तिजारत के बारे में थोड़ा सा पता था। तो मेरे पास इतनी ही नॉलेज थी। देन आई आफ्टर टॉकिंग टू हिम कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें डिवेल्प हुआ। तो रिसेंटली मैंने एक कोर्स किया है उनका, हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। हालांकि ये मेरे साथ रेलिवेंट भी नहीं आया, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसमें, बट वैसे मैंने इसे समझने के लिए कि कैसे ई कॉमर्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इसलिए किया इसे, और कैसे अगर मेरी सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, तो कैसे मैं इसको एक बिगर प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करके, इसको शोकेस करके, इसको बहुत से लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। सो अच्छा, मैंने इसको किया, बट उस पर रिव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोशनी की मानित होते हैं, जिसकी इनकी प्रेजेंस में रह के आपको अंधेरों में भी उजाला नज़र आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते की मानित होते हैं, जो आपका हाथ पकड़ते हैं और ज़िंदगी में आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और कुछ लोग खुशबुओं की मानित होते हैं जिनकी प्रेजेंस में रह के आपको एहसास होता है कि कितनी दुनिया कितनी खूबसूरत है। ब्यूटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जिनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, वो बैक वक्त रोशनी भी होते हैं, वो रास्ता भी होते हैं, और खुशबू भी होते हैं। सो ही इज़ आई आइडेंटिफाई दैट ही इज़ वन ऑफ देम। सो लाइक अभी कुछ ही सब है उनको जाने हुए, तो यस, ही इज़ जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट आई गॉट टू नो। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनका इंटरव्यू किया एंड देन इनसे बात की, उनके बारे में जाना। देन वो जो ई कॉमर्स की बात करते हैं और एक नए पाकिस्तान की बात करते हैं, आई थॉट दैट, मुझे ये लगता है कि हर इंसान की जो फिलॉसफी होती है वो उसे जो है ना दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करती है। वरना आप इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे इंसान हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं और एक एक लाइफ गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं, एक आम सी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो एक लाइक आम सी जिंदगी होती है, जिसमें आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कुछ अमेजिंग नहीं कर पाते, आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो क्या ज़बरदस्त, आज के दौर इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप मुझे याद है जब मैं, ये 2013 की बात है, जब मैं सर्च कर रही थी कि इंटरनेट मेरे पास हो, मैं सर्च किया करती थी, सवाल लिखा करती थी कि एग्रीकल्चर एज क्या है, इंडस्ट्रियल एज क्या है, और इंटरनेट की दुनिया क्या है, और सितारे कैसे हैं, कितने हैं, और गैलेक्सीज क्या हैं, वहाँ किस किस्म की आवाज़ें हैं जो है ना वो मतलब प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ किस किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च किया करती थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ तब कि किस तरह इंसानी जो इर्तका है वो हुआ, इंसानी सिविलाइजेशन का इर्तका हुआ, कल्चर का इर्तका हुआ, कम्युनिटीज़ बनी। और आप अगर नज़र डालें तो इंसानी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो जिस तरह उसने गारों से निकलकर शिकार, गारों में रहते थे तो शिकार करते थे, उसके बाद गारों से निकल के उसने ज़मीन पे रहना स्टार्ट किया, तो वहाँ ऑर्गेनाइज जब हुए तो एग्रीकल्चरल एज का आगाज़ हुआ, उसने कुछ उगाना स्टार्ट किया, बार्टर सिस्टम का आगाज़ हुआ कि चीज़ें एक दूसरे को दे के ट्रांजेक्शन करके, तो वो जो है
ज़िंदगी गुजारते थे, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो फिर इंसान ने एक नया दौर देखा कि इंसान ने इंसानी मेहनत को कन्वर्ट कर दिया मशीनों में, तो इंडस्ट्रियल एज मार्स वजूद में आया। पर उसको इस जगह तक पहुंचने तक 18 सदियां लगी। 18वीं सदी में जाके उसने कहीं देखा कि मशीनें उसकी किस तरह मदद कर सकती हैं। और आज आपकी ज़िंदगी में मशीनें कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जो आपका टाइम रिड्यूस करती हैं, आपकी चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी को उन्होंने सहल बना दिया है। चाहे वो एक आपको मदद करने वाली वॉशिंग मशीन हो जिसमें ड्रायर भी साथ है, चाहे वो आपका माइक्रोवेव अवन हो, चाहे आपका ये मोबाइल फ़ोन हो, चाहे उसके साथ अदर गैजेट्स हो। तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एज दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी। उसके बाद आपने एक नया दौर देखा, और वो दौर था इंफॉर्मेशन का दौर, जब आपके पास इंफॉर्मेशन इल्म की बहुतात होने लग गई। इंटरनेट के जाल ने पूरी दुनिया में आपस में लोगों को कनेक्ट कर दिया, और जो इल्म की तरसील थी एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत ही आसान और बहुत सहल हो गई। तो इसका मतलब ये था कि मतलब ये हुआ कि इंसानी तारीख ने ऐसा दौर देखा जिसमें वो सिक्योर सिटी से अबेंडेंस की तरफ चला गया। कैसे? कि इंडस्ट्रियल एज में, अब उससे पहले की दौर में आपके पास इन्फॉर्मेशन जिसके पास होती थी, एम जिसके पास होता था, वही लोग कामयाब हो जाते थे। पर उसके बाद जो ट्रांजिशन आई इंटरनेट के दौर में, और जिसमें इंसानी इल्म को लामहदूद लाइक हर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया, और एक वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया, एक ऐसी दुनिया बना दिया कि किसी के पास भी वो इल्म मौजूद है कि अगर वो कामयाब होना चाहे, फैसला कर ले, अपना माइंडसेट बना ले, और वो कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन एज में अभी कल ही मैं दोस्त जो है ना, आप मुझे पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू करती हूँ, बात करती हूँ, और मैंने एक अच्छा खासा होमवर्क किया है इस पे। तो मुझे लगा कि अब मुझे दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए जो दुनिया में इसको इसके बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग के हवाले से या ये इस हवाले से कि किस तरह वो दुनिया में तब्दीली लाए हैं वो अपनी प्रेजेंस से। तो मैंने जाना कि कोई भी जो इंसान है उसको जो प्रस्पेक्टिव है वो तब्दीली लाता है, उसकी फिलॉसफी तब्दीली लाती है। तो मुझे ये एहसास हुआ इस कोर्स को करके, जो कि 100 वीडियोस पे मुश्तमिल है, उस्मान चुताई साहब ने बनाया है, ई कॉमर्स वाला के नाम से वो जाने जाते हैं। एंड ना सिर्फ उसका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त था, मुझे ये पता नहीं था कि आप यहाँ बैठे हुए एक इंसान पाकिस्तान का कर्ज़ उतार सकता है। और जब मैंने वो सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मैंने सुना कि एक शख्स हैं मुदस्सिर शेख, और वो क्रीम के ऑनर हैं, और उन्होंने रिसेंटली पिछले साल आई गेस हाँ पिछले साल, अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो मुझे आप साल का करेक्ट करेक्ट कर दीजिएगा, किस साल उन्होंने ना करीम को ऊबर को भेज दिया है। ऊबर एक अमेरिकन राइडिंग सर्विस है जो कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में राइडिंग सर्विस दे रही है। आप रिक्शे में धक्का खाने के बजाय आप जो है उसको यूज़ करके आप रिक्शों में धक्के खाने में आप अच्छी सर्विस को यूज़ करके थोड़े से पैसे दे के, और आप जो है ना ज़बरदस्त किस्म की कार सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो उसकी मुकाबले में शेख मुदस्सर जो हैं, मुदस्सर शेख जो हैं, आई गेस उनका नाम पूरा मैं आपको सही बताऊँ, हाँ मुदस्सर शेख, मुदस्सर शेख जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, और कराची में वो कराची से थे, फिर उन्होंने लम्स से पढ़ा, फिर वो बाहर चले गए। पर वहाँ जाके उन्होंने टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था, तो उन्होंने एक ऐसी ऐप डेवलप कर दी जो कि ऑपरेट कर सके, जो कि राइडिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके, और उसे लॉन्च कर दिया मिडल ईस्ट में जाके। अब वो वहाँ कामयाब हो गई, और जब उसने देखा ऊबर ने कि भाई हमारी राइवल फर्म मतलब एक और सर्विस प्रोवाइडर आ गया है, तो उसने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। तो फाइनली जो ऊबर का और करीम का जो मुहिदा हुआ वो 3.1 बिलियन डॉलर्स में हुआ। ये रकम बहुत बड़ी है। एक इंसान
एक ऐसी ऐप क्रिएट कर दें, एक ऐसा चेंज ले आए। उसने असल में वो ऐप क्रिएट नहीं की, उसने वो एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया 15 कंट्रीज और 90 सिटीज़ में। तब जाके उसकी वर्थ जो है 33.1 बिलियन डॉलर हुई, और उबर ने कहा कि भाई तुम जो है ना, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। तो उबर ने उसे खरीद लिया 3.1 बिलियन डॉलर में। अब ये 3.1 बिलियन डॉलर मुझे तब पता चला, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये वो रकम है जो पाकिस्तान ने IMF से, पाकिस्तान ने आधी रकम IMF को कर्ज़े में मतलब हमने देनी है। तो ये तो उसे एक बंदे के अंदर ये सलाहियत है कि वो इतनी रकम प्रोड्यूस कर सकता है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इफ़ आई हैव दैट मनी तो देन आई विल पे पाकिस्तान डेब्ट। तो मुझे बहुत अच्छा भी महसूस हुआ कि मेरे अंदर से उसी वक्त ये आवाज़ आई, और मेरे अंदर से मुझे अच्छा लगा कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जो है आज के दौर में, वो अगर सोचे कि इस इंफॉर्मेशन एज को वो इस्तेमाल करके किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में तब्दील ला सकता है, वो फाइनेंशियल अबेंडेंस ला सकता है। हमारे पास हर चीज़ की अबेंडेंस है, फाइनेंशियल अबेंडेंस अगर हमने लानी है तो किस तरह आज के टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करके आप वो ला सकते हैं। सो मेरे लिए एक हैरानकुन चीज़ थी। एंड देन माई इंटरेस्ट क्लोज राइज, फिर मैंने उनकी वीडियोज़ देखी और उन वो सारा एक हर वीडियो में कॉन्टेंट ज़बरदस्त था, लाइक माइंड ब्लोइंग था कि किस तरह आज के दौर में आपके पास 7.6 बिलियन पीपल हैं, आपकी मार्केट बन सकते हैं वो। आप 7.6 बिलियन पीपल को आप सोचें कि आप उन तक अपनी बात पहुंचा, 7 अरब और 6 करोड़ लोगों तक जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वो आपका क्लाइंट बन सकता है, वो आपका कस्टमर बन सकता है। तो वो कैसे बन सकता है? वो इस तरह ही बन सकता है कि जब आप ये सोचेंगे कि आपने इतनी लोगों को टारगेट करना है, फिर आप समझेंगे कि आज के टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। गूगल जो कि 1990s में बनी है, आज आपको देख रहे हैं कि उसके अंडर 200 कंपनीज हैं और वो इतना एक्सटेंड कर चुका है। हर कोई सर्च इंजन, लाइक कुछ भी सर्च करना हो तो गूगल पे हम जाते हैं। एक तो उसकी सर्विसेज आसान है, और दूसरा जो है उसने अपने आप को कंसिस्टेंटली अपने आप को इस लेवल पे लेके आया है कि उसने दिखाया है कि किस तरह वो कोई चीज़ एक्सटेंड हो सकती है। तो इसी तरह, और उसने अपनी जो है वर्थ बढ़ा दी है। आप अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पे मैंने ये फिगर्स लिख लिए थे ताकि हमेशा मेरी डायरी में रहें और मैं शेयर भी कर सकूं आप लोगों के कि अमेज़ॉन की मंथली जो विजिटर है ना, वो 2.9 बिलियन पीपल हैं। 2.9 बिलियन, 2 अरब 9 करोड़ लोग अमेज़ॉन पे जाते हैं। वो क्या चीज़ है? वो सिर्फ ये है कि वहाँ चीज़ें खरीदते हैं, वो देखते हैं कि घर में बैठे सुकून से आप अपनी चीज़ें परचेज कर लें। उसी के मुकाबले में ई बे आ गया, ई बे ने यही सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो वाई नॉट अस? सो ई कॉमर्स विल हेल्प अस टू सॉल्व बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। जब मैंने पहले उस्मान साहब को सुना कि वो एक नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हैं ये किस तक, लाइक ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो, मतलब मुझे पता नहीं था उनकी फिलॉसफी का। बट मैंने उनका ये कोर्स किया बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स ये रहा मेरे लिए, और मैं रिकमेंड भी करूँगी बाकी लोगों को जो ये जानना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ दे हैव इंटरेस्ट दैट दे हैव इंटरेस्ट इन ई कॉमर्स तभी वो करें, और अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं है तभी वो करें। ये उनका प्रस्पेक्टिव है ये ब्रॉड करेगा कि कैसे एक बंदा आज के दौर में अपनी जगह पर बैठा हुआ इंटरनेट की दुनिया को यूज़ करते हुए पूरी दुनिया को अपना क्लाइंट बना सकता है। मेरा इंटरेस्ट ट्रेनिंग्स में है, सो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आना स्टार्ट होंगे कि किस तरह मुझे किस तरह करना है, या और भी बहुत सारे आइडियाज़ आए जिसमें मैं इसको इस्तेमाल करके वो करूँगी इंशाल्लाह। तो ये था मेरा कोर्स रिव्यू। मेरा मकसद ये नहीं था इस रिव्यू को बनाने का कि और ज़्यादा लोग जो हैं इसमें लाइक एनरोलमेंट करें। मेरा मकसद ये था कि आप डिसाइड करें कि अगर आप वाकई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह सकते करना चाहते हैं तो ई कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। डिफाइन करें, डिसाइड करें कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू कैन गो टू दिस कोर्स, देन इट विल गिव बेनिफिट टू यू कि किस तरह वो इतने उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया और वो किस तरह लाइक फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हुए, और किस तरह वो अपनी कंपनी अब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पार्टनर्स बना के।
और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद बनाना चाहते हैं कि एक नया पाकिस्तान जिसमें सबके पास फाइनेंशियल अबेंडेंस हो। सो आई होप कि आप भी जाएंगे यूडेमी पे और ई कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज हैं और देखेंगे। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी उस्मान चुपता के साहब का कोर्स, आप उसको ज़रूर करें। बट यू हैव टू क्लियर ऑन योर माइंड दैट यू वॉन्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, देन यू विल डू। फिर आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, आपको मज़ा आएगा पूरा कोर्स सुनते हुए, आपको उस इंफॉर्मेशन को नोट करते हुए। अदरवाइज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, क्या आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लाइक आप एक कोर्स कर रहे हैं तो शायद आपको मज़ा ना आए। सही, तो शायद वो आप इंफॉर्मेशन कहीं आपके काम आ जाए बट ब्रॉडली वो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंट्स। ये मेरा रिव्यू था, आई होप कि आप इसे दोबारा सुनेंगे और ये जानेंगे कि आज की जादुई दुनिया में जो आपके पास इंफॉर्मेशन इल्म की ताकत है, मोबाइल फ़ोन, कीबोर्ड, कैमरा और ये तमाम टूल्स आपकी क्या मदद कर सकते हैं आपको वो चीज़ देने में जो खुदा ने आपको पहले अता कर दी है। ये खुदा की अता है कि उसने इंसान को ऐसा दिमाग दिया जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें बना सका। तो अब ये आप ही मुनासिर है कि आपने सिर्फ फैसला करना है, अपना माइंडसेट सेट करना है और काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।